वो तो हो गई, ठीक है। ए वॉल्यूम ऑफ, अगर इंटीग्रेशन पड़ी है तो बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन की जरूरत पड़ेगी, इस वाली इक्वेशन ऑफ लाइन की आपको जरूरत पड़ेगी, या इस पूरे पेज की जरूरत पड़ेगी, ये प्लान की आपको जरूरत, इक्वेशन ऑफ प्लान की आपको जरूरत पड़ सकती है उसके लिए, ठीक है। एक इसको यूं डिवाइड करो, इसको आप ऐसे डिवाइड करो, तो चार पार्ट्स में इसको डिवाइड करो। अगर ऐसे भी नहीं करना तो फिर एक वे ये है कि आप इनको ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये टॉप है, ठीक है ना, टॉप हाइट थी उसकी, या इसको यूं लिख लेता हूं, ठीक है, आप इसको यूं देख सकते हैं। तो आप ये ऊपर वाली कर्व में से, इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, इस डोमेन को आप ले लें, ये वाली डोमेन आपके पास फॉर एग्जांपल, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी लाजमी, अदरवाइज ये नहीं कैलकुलेट कर सकता, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स कोई भी हैं, फॉर एग्जांपल जो भी x1 से लेके x2 तक, टॉप एरिया इसका कौन सा है, अपर कर्व, माइनस इसकी लोअर कर्व कौन सी है, ये इसकी बेस है, बेस कर्व, ठीक है। प्लस फिर x2 से x3 तक अपर कर्व, माइनस बेस कर्व, ठीक है। तो यूं आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने कैलकुलस कर लिया तो ये कर्व इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको बनानी पड़ेगी, वो उसकी कर्व बनती है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। सर अपर कर्व और लोअर कर्व कौन सी है इनमें से, देखे ना, जैसे दो चीजों के दरमियान में एरिया बाउंड होता है ना, दो चीजों के दरमियान, ठीक है। जैसे आपकी एक छत है और नीचे एक जमीन है, ठीक है, तो छत जो सी छत है वो अपर कर्व होगी, और जो बॉटम पे जमीन है, जो अर्थ है, ठीक है, जो फ्लोर है आपके पास, सही है, वो आपके पास लोअर कर्व होगी। अब देखें इसका शेडो क्या पार्ट है, इस पूरे ऊपर वाला कौन सी कर्व होगी जिसका शेडो पार्ट है नीचे, तो वो कौन सी डोमेन बनती है, वो ये वाली बनती है सारी सारी, ठीक है। लेकिन इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले आपको, अदरवाइज ये नहीं आप कैलकुलेट कर सकते इसका एरिया, ठीक है। कैलकुलस में आप लोगों ने किया होगा, पता नहीं अब किया नहीं किया, लेकिन मैं कैलकुलस जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को 3D में वॉल्यूम कैलकुलेट करना बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अपर कर्व में से आप लोअर कर्व को, पहले पार्ट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आप लोअर पार्ट को, या पूरे को भी ले सकते हैं, x1 से लेके x3 तक भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये डबल इंटीग्रल्स निकलेगा, ये सिंगल इंटीग्रल मैंने लिख दिया, ये डबल इंटीग्रल्स निकलेगा x1 से x2 तक, और x2 से बल्कि y1 से y2 तक, डबल इंटीग्रल से आप कैलकुलेट, ना कि सिंगल इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको भी बस इसका फार्मूला अभी याद रख लें, बाहर अभी तो इसका फार्मूला याद रख लें, लेकिन अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ती है आपको तो ये काम भी किया जा सकता, ठीक है ना बच्चों। ओके आगे चलें, तो अभी तक हमने क्या बात की है, अभी जो हमने किया है वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन किया है, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमने कैलकुलेट करना भी सीखा है। अच्छा, अब अगर ये हो कि जो टेट्राहेड्रन की शेप है, फॉर एग्जांपल यही शेप थी ना वॉल्यूम ऑफ टेट्रा की यही शेप थी, अगर ये वाला पॉइंट जो टॉप वाला पॉइंट है ये जमीन के ऊपर आ जाए, इस प्लेन के ऊपर आ जाए, तो ये इक्वेशन ऑफ क्या बन जाएगी, जैसे आपने एरिया से इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई थी, किससे क्या बनाया था, ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ गया, ऐसा ही है ना, ये ऐसे बन गई थी, ये प्लेन से एरिया से ये लाइन बन गई थी, ये वॉल्यूम से किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये अगर टॉप वाला पॉइंट इसके ऊपर आ जाए सारे का सारा, एरिया में कन्वर्ट हो जाएगी या प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा ही है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये टॉप पॉइंट किसके ऊपर आ गया, ये
तो ये आपके पास एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगी या एरिया में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर की अगर छत या पूरे उसको मस्मार कर दिया जाए तो वो एक प्लेन बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर उसका आंसर जीरो आ जाए तो इसका मतलब है वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन नहीं रहेगा, ठीक है? नहीं, वो क्या हो जाएंगे इसमें एक दो तीन चार, ये चारों पॉइंट्स। अच्छा चलें यूं बात कर लेते हैं, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ गए, P1, P2, P3। ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आए थे तो हमने क्या नाम दिया था इसको? हाँ भाई, कोलिनियर का नाम दिया था। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आए थे तो हमने इसको कोलिनियर का नाम दिया था। सिमिलरली अब ये जो चारों पॉइंट्स हैं, एक दो तीन चार, ये अगर एक प्लेन के ऊपर आ जाए तो हम इसको क्या नाम देंगे? कोप्लेनर। ये चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन के ऊपर आ गए तो हम इसको क्या नाम देंगे? ये कोलिनियर बन गया था और ये क्या बन गया? ये बन गया कोप्लेनर, ठीक है? नहीं, दिस इज कोप्लेनर, एक ही प्लेन के ऊपर आ गए। और कब आते हैं एक प्लेन के ऊपर? जब इनका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए। टेक्निकल बात समझ आई है इसमें? यस सर। तो हम क्या कहेंगे कि टेस्ट फॉर कोप्लेनर पॉइंट्स। इफ x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 and x4, y4, z4are coplanar if and only if, अगर क्या हो जाए x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, x4, y4, z4, 1, 1, 1, 1, क्या आ जाएगा उनका डिटरमिनेंट? जीरो आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये चारों पॉइंट्स क्या हैं? कोप्लेनर। मेरी बात समझ आई या नहीं? यस सर। चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन के ऊपर आ गए तो हम ऐसे इस टाइप के प्लेन को हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर। और मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उस सारे का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? जीरो। ठीक होगी बात या नहीं? क्लियर? यस सर। अच्छा चलें अब आगे यूं चलते हैं कि ये तो कोप्लेनर की बात होगी। जैसे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल से हमने ये कहा था कि ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर आ जाए तो ये कोलिनियर लाइन हो, कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स कोलाइड कर गए एक ही लाइन के ऊपर तो इसको हमने कोलिनियर कहा। फिर हमने इससे क्या बनाया? इक्वेशन ऑफ लाइन डिवेल्प की थी, ऐसा ही है या नहीं? हमने इक्वेशन ऑफ लाइन डिवेल्प की थी आखिर में या नहीं? सिमिलरली ये चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन के ऊपर आ गए तो इस प्लेन को हमने कोप्लेनर का नाम दिया। क्या यहां से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी बच्चों, yes, क्या sir, हम sir. यहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन डेवलप कर सकते हैं या नहीं? तो बड़ी आसान सी बात है, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए तीनों पॉइंट्स की नहीं दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए आपको चारों पॉइंट्स की नहीं कोई से भी तीन पॉइंट्स ले लें, ठीक है? तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन डेवलप हो जाती है, ठीक है? और उस प्लान के ऊपर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे उस प्लान को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे इस इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे आए हैं तो उसको सेटिस्फाई करते हैं, इसी पर से इस प्लान के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ प्लान क्या होगी?
three points form of the equation of a plane. ठीक है, तो the equation of the plane passing through the points x1, y1, z1, x2, z2 and x3, y3, z3 is given by x, y, z, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, 1111 किसके इक्वल, जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन आप प्लेन आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है या नहीं? ये इसकी कंडीशन होगी इक्वेशन आप प्लेन, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है? एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू the points zero, one, zero, minus one, three, two, and minus two, zero, one. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? बड़ी आसान सी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, x, y, z, zero, one, zero, माइनस वन थ्री टू माइनस टू जीरो वन 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 वन. इसको आप एक्सपेंड करें, ठीक है ना, कर लेंगे ना इसको एक्सपेंड. yes, sir. तो इसको आप एक्सपेंड करें फॉर रो वन के साथ, तो इसको जब आप एक्सपेंडिंग बाय बेशक रो टू कर लें, ठीक है, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, x के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, y के साथ 3y आ जाएगा और z के साथ 5z plus 3. तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आप डिवेलप कर, क्लियर होगी बात या नहीं? ठीक है बच्चों? यस सर. तो अब इससे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज 2.3 करनी, ठीक है, एक्सरसाइज होमवर्क कौन सा है आपका, 2.3 एक्सरसाइज 2.3, 2.1, 2.2, 2.3, ये तीनों एक्सरसाइजेस आपने कर, सही है? तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है. कुछ मजीद एप्लीकेशंस आती हैं आपके पास, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स नहीं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फिर आप देखो. Yeah.
कोई एक बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले 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 सकता है इसका स्क्रीनशॉट या और खरीद करूं इसका स्क्रीनशॉट ले 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 लिया सर ठीक है इसको आपके पास जो ग्रुप है ना उसमें शेयर कर दें बच्चे और इसका भी स्क्रीनशॉट ले 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 लिया ठीक अच्छा ये एक सॉल्व एग्जांपल है ये वाले नजर आ रहे हैं आप लोगों को यार यस सर आ रहे हैं ब्लर तो नहीं है इसमें यस फिर थोड़ा है गाइस अब ठीक है क्रिस्टोफला ओके इसका यू सॉल्यूशन निकाला हुआ है इसकी इसका स्क्रीनशॉट है अगर नजर आ रहा है एक मिनट ठीक है तो इस ये नेटवर्क फ्लो जो सा है ठीक है ना क्रिस्टोफ लॉ को आपने यूज करके तो आपने इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना है इक्वेशंस की फॉर्म में ठीक है जैसे ये बना हुआ ना ये वाली एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन तीसरी इक्वेशन ये तीन डिफरेंट लूप्स के ऊपर एक दो तीन तीन लूप हैं तो आपके पास तीन इक्वेशंस बनेंगे तीन अननोन ठीक है तो उससे रिलेटेड आपने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना तीनों जो मैंने आपको ग्राफ आपने स्क्रीनशॉट लिया ना उससे रिलेटेड मैं चलें एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाता हूँ जो ट्रैफिक फ्लो से रिलेटेड Yeah.